जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के नंबर वन कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर में। तो हर संडे की तरह आज भी जो है हम आ चुके हैं जहां पर यूपी कैटेट 2024 की तैयारी करने वाले कृषि वर्ग के विद्यार्थी जो है टेस्ट दे रहे हैं। सबसे पहले एक बार हम दिखाएंगे, सभी लोग अपना अपना पेपर ऊपर करेंगे। टेस्ट नंबर 5, कंबाइंड टेस्ट नंबर 5 यहाँ पर कंडक्ट हो रहा है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से विद्यार्थी आ चुके हैं और बैच प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुका है। जो भी विद्यार्थी जो है काउंसलिंग में उनको सीट नहीं अलाट हो पाई है वो जल्द से जल्द कानपुर आएँ। टेस्ट नंबर 5 है, एक बार दिखा सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यूपी कैटेट ईयरली बैच है, टेस्ट नंबर 5। एक बार सभी लोग बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। क्लासेस कैसी चल रही हैं आप लोगों की? तैयारी ठीक चल रही है? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? तो ये जो टेस्ट की व्यवस्था है कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया लग रहा है ना? बाकी जो है पांडे सर जो है बोलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप सभी देख पा रहे होंगे हर बार की तरह इस बार भी इस रविवार हम टेस्ट नंबर 5 कंडक्ट कराने जा रहे हैं और ये सफर लगातार चलता है, हर साल का सीन रहा है। एग्रीकल्चर के इतिहास में पिछली बार 40 से ज़्यादा 39 लगभग 39 टेस्ट करा दिए गए थे और आज हमारे सभी बच्चे 5वां टेस्ट देने जा रहे हैं। जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं इस बात को ध्यान से सुनिए, 6 दिन क्लास होने के बाद 7वें दिन यहाँ टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। फिर सुनिए, यहाँ पर हर सप्ताह टेस्ट कराया जाता है और उसका अवलोकन किया जाता है और हम लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे टेस्ट देते हैं। फिर सुनिए, एग्रीकल्चर में हर सप्ताह हर रविवार टेस्ट होता है। जो आप IIT JEE और NEET के दुनिया में देखते हैं अच्छे से बेहतर संस्थानों में, वह एग्रीकल्चर में भी ये संभव हो पाया है और इसीलिए हमारी एक लाइन चलती है कि यहाँ होता है पूरे बैच का सिलेक्शन। जी हाँ बिल्कुल सही, 150 प्लस सिलेक्शन का रिकॉर्ड, हम लोग 100 सोचते थे लेकिन 150 प्लस सिलेक्शन का रिकॉर्ड बना। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का जो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर आपको सत्यता की पहचान हो सकती है और हमारा टेस्ट को हर रविवार शो कराने का एक ही उद्देश्य होता है कि आप आज लाइव देख रहे हैं। आज जो डेट है ध्यान दीजिए, आज 20 अगस्त है। कुछ लोग सोचते हैं कि एक वीडियो शायद एडिट कर दी जाती होगी। 10:17 रविवार 20 अगस्त टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, इसको समझिएगा। हर रविवार यहाँ काम होता है और बच्चों आपको टेस्ट देना है, बेहतर शिक्षा पाना है तो आप हमारे संस्थान पर जरूर आइएगा, आपको यहाँ बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। एक बार देख सकते हैं सभी बच्चे यहाँ किस तरह से शांतमय होकर टेस्ट दे रहे हैं। एक तरफ से आप देख सकते हैं, एक बार दिखा दीजिए, रिजल्ट ही हमारी पहचान है और देखो फोटो इतने ज़्यादा हैं कि सारे फोटो छापे नहीं जा सकते हैं। जल्द ही जैसे ही सारी काउंसलिंग कंप्लीट होगी, चारों विश्वविद्यालयों में अलग अलग जा करके पूरे पूरे बैच को दिखाया जाएगा कि कितने विद्यार्थी जो है सिलेक्ट हुए हैं। तो चारों विश्वविद्यालय में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से सिलेक्ट हुए हैं। हम लोग 2024 के संकल्प के साथ तैयारी को स्टार्ट करा चुके हैं। जिन बच्चों को काउंसलिंग में सीट अलाट नहीं हुई उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उनको कानपुर के एकमात्र विश्वसनीय संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ज्वाइन करना है। जहां ज्वाइन करने से ही जिस दिन आप यहां पर फॉर्म भर देंगे, जिस दिन यहां पर एडमिशन ले लेंगे, उसी दिन आप समझ लेना कि आपका चारों विश्वविद्यालयों में से कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो चुका। बस शर्त यह है कि जिस प्रकार से हम लोग 7ों दिन लगे रहते हैं, 6 दिन पढ़ाते हैं, 7वें दिन टेस्ट के लिए खड़े रहते हैं, विद्यार्थियों के साथ एक एक बच्चे को केयर किया जाता है। देखो पढ़ाने को तो हर कोई उल्टा सीधा पढ़ा सकता है लेकिन यहाँ पर हमारी जो टीम है, जैसा कि हम लिखते हैं ऊपर, बेस्ट टीम शानदार रिजल्ट, बेस्ट टीम बेस्ट रिजल्ट, उसका सीधा अर्थ यही है
कि हम लोग 6 दिन जो पढ़ाते हैं उसी से संबंधित क्वेश्चंस बनाते हैं, पेपर जो है हमारा सोमवार से टाइप होना शुरू हो जाता है और सैटरडे तक हम लोग पेपर रेडी करा लेते हैं, और हम लोगों को ये पता रहता कि शनिवार तक कहाँ तक हम पढ़ा लेंगे, उतना सिलेबस पेपर में सेट किया जाता है और संडे को वही पूछते हैं। अभी भी अगर कोई बच्चा समझ ना पाए कि कानपुर का कौन सा ऐसा संस्थान है जहां पर पढ़ने से श्योर सिलेक्शन होता है, तो उसको अब कोई बता नहीं सकता। हर संडे इस वीडियो को जरूर आपके पास भेजते हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको कोई गुमराह ना कर पाए। लोग कहते जरूर हैं कि हमारे यहाँ भी टेस्ट होता है, लेकिन एक बार पता करिए, कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो 200 प्रश्नों का टेस्ट जो है हर संडे करा सके। 10, 20, 50 सवालों का पेपर या पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर रिपीट कर देते हैं लोग, क्लास में कुछ अलग चल रहा होता है और टेस्ट में कुछ अलग आता है। यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता, यहाँ पर वही होता है जो पढ़ाया जाता है वही पूछा जाता है, और जल्द से जल्द जो है रिजल्ट भी हम लोग घोषित कर देते हैं, और उसी का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर की तैयारी के लिए सोचता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एकमात्र विकल्प आता है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। परिणाम आप देख सकते हैं, बहुत सारे संस्थान कानपुर में हैं, एक ही संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप व्यवस्थाओं के नाम पर देखेंगे, क्लास में स्ट्रेंथ देखेंगे, तो कोई 4 बच्चे पढ़ा रहा है, कोई 10 बच्चे पढ़ा रहा है, कोई 20 बच्चे पढ़ा रहा है, इससे ज़्यादा संभव नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो है सिलेक्शन नहीं है, और अगर सिलेक्शन होता तो आज बच्चे भी होते, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कहाँ पर है? तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप सभी देख सकते हैं, इतने सारे बच्चे यहाँ पर बैठ करके टेस्ट दे रहे हैं। मैथ्स और बायो ग्रुप में भी शानदार जो है सिलेक्शन होने की वजह से मैथ्स और बायो ग्रुप में भी काफ़ी संख्या में विद्यार्थी पहुँच रहे हैं। कानपुर में अगर मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, एजी ग्रुप की बात किया जाए तो तीनों वर्गों का जो है अगर देखा जाए तो सेपरेट बैच हम लोग पढ़ाते हैं। ऐसा भी नहीं, कई संस्थान ऐसा भी करते हैं कि बायो ग्रुप और मैथ्स ग्रुप को एजी ग्रुप में बैठा करके बेवकूफ़ बनाया जाता है कम फीस लेकर के। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैथ्स और बायो का सेपरेट बैच चलाया जाता है और वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है। अभी भी हम ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे इसको वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर जगह पहुंचाएं, ताकि विद्यार्थी जो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो नहीं जान पाते हैं, जो व्यवस्थाओं को नहीं समझ पाते हैं कि क्वालिटी क्या है, अगर क्वालिटी समझते, जो बच्चे एक्टिव मोड में हैं, प्रदेश के उन जिलों के बच्चे यहाँ पर पहुँच पाए हैं, जो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवलोकन करते हैं कि कहाँ पर बेस्ट चल रहा है। अब तो बहुत ही अच्छा हो गया है कि बच्चा जो है डेमो क्लास जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख करके आ सकता है, और ये देख करके आ सकता है सबसे ज़्यादा मेहनत किसने किया। हम लोगों ने लगभग 1600 वीडियो होने वाले हैं पूरे चैनल पर, और सब्सक्राइबर लगभग 50,000 होने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल पर 9,300 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। गूगल पर रेटिंग आप देखेंगे, रिव्यूज़ देखेंगे, जस्ट डायल पर देखेंगे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन या ऑफलाइन हम लगातार दिखाते रहते हैं कि ऑफलाइन में क्या चल रहा है, किस प्रकार की व्यवस्थाएँ चल रही हैं, सबको पता चल चुका है। इसी कारण मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, एजी ग्रुप लगातार विद्यार्थी आ रहे हैं, तो आप सभी लोग इसको शेयर करिएगा। बाकी जो है बड़ी बात यह है कि लंबे समय से संस्था चल रही थी, लेकिन 21, फिर उसके बाद 22, उसके बाद 23, लगातार 3 बार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड और सिलेक्शन रेट बढ़ता चला गया। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के सभी गाँवों को, कस्बों को, कि लगभग जो बच्चा अवेयर और जागरूक था वो सीधा तिवारी एग्रीकल्चर संस्थान में ही आया, लेकिन बाकी जगह तो नहीं गया। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो गांव में रह गए, जो अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे, आप वहाँ बैठे किसी का 1,000, 1,500, 2,000 का अगर कोर्स खरीद लिया तो आप पछता रहे हो। अब आप वो आपसे गलती हो गई, क्योंकि आप नो डाउट उत्तर प्रदेश के हर गाँव से आप आए,
तो सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी संस्था में आए, ये आपका विश्वास जो है ना, इसके मन जो है भाई बहुत खुश हो गया। आप ना हॉल देख सकते हो, पूरा हॉल फुल है बच्चों, आप सब देख सकते हो। लेकिन जो बच्चे जागरूक नहीं है, उन्हें अभी नहीं पता है, उन्हें सरकारी विश्वविद्यालय में जाने का सपना लिए बैठे हो, तो फिर आपको भी आना था, तो आप भी आइएगा और यहाँ मन से पूरा 2 बजे से लेकर 8:30 बजे तक पढ़ाई करिए, रविवार टेस्ट दीजिए, और आपका जो विश्वास बढ़ता जा रहा है कि एक निष्ठ विश्वास होता है, जब आप चपेड़ा पुलिया से आगे बढ़ते हो तो आप सिर्फ एक ही संस्थान देखते हो, तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी, और इधर उधर भटके बिना सीधा आने लगे हो। ये एग्रीकल्चर में क्रांति हो गई है, ये एग्रीकल्चर में जागरूकता की बहुत बड़ी मिसाल है कि आप इतना विश्वास कर रहे हो, क्योंकि आप अवेयर हो, आप देख रहे हो कि सिलेक्शन रेट इनका है, आप देख रहे हो रविवार टेस्ट दिखता है, आप देख रहे हो रविवार को बच्चे सारे दिखाई देते हैं, आप देख रहे हो कि 5वां टेस्ट हो चुका है, और आप एक दिन ये भी देखेंगे कि लगभग 40+ टेस्ट हो जाएंगे साल के अंतिम समय तक, मई तक कंबाइंड, बाकी टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के 40-40 लगभग, वो लगभग अलग होते हैं चैप्टर वाइज, और मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप में भी इसी प्रकार प्रोसेस चलता है, और टॉप 100 में यहाँ रैंकें दी गई हैं, जहाँ मैथ्स में किसी का खाता नहीं खुला, यहाँ लगभग बच्चे जो थे सेलेक्ट हो गए, मैथ्स में 9वीं रैंक बड़ी बात है, 9वीं रैंक, जी हाँ 9वीं रैंक है, 21वीं 22वीं 27वीं, अंडर 100 का सपना लोग सोचे होंगे, यहाँ तो लोग 4000-3000 रैंक नहीं दिला पाए, और अगर पढ़ा भी दिए 2-4 बच्चे पकड़ के तो 10-12 हज़ार रैंक देकर दिला के उनको बर्बाद कर दिया, मतलब उनको काउंसलिंग का मौका ही नहीं दिया। और हमारे यहाँ के बच्चे बांदा मेरठ विश्वविद्यालय में आज चयन हो गए और अब पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक बार सभी बच्चे बोलेंगे जय जवान जय जवान जय किसान। देखिए बच्चों की आवाज, जय जवान जय किसान। क्या आप तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी में पढ़ने संतुष्ट हैं? क्या आपको यहाँ लगता है कि पढ़ाई होती है? आपको ऊर्जावान टीचर दिखाई देते हैं? धारा प्रवाह बोलने वाले टीचर दिखाई देते हैं? आपको पता आप ईमानदारी टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये सफर बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल चलता रहेगा यूं ही, और आप इस तरह से बच्चों को देखते रहिए। इसमें से कोई ऐसा बच्चा है जो संस्थान के बारे में अभी तक जो अवलोकन किया कुछ बताना चाहता हो या बोलना चाहता हो, कोई ऐसा है जी? कोई फीडबैक देना चाहता है जो अभी तक आप लोगों ने देखा? हाँ, जो बोल सकता है तो 1 मिनट बोल सकता है। हाँ, कोई बोल सकता हो तो बोल सकता है। चलिए, जो है ऐसे तो सभी बोल सकते हैं लेकिन बोल नहीं रहे, चलिए हम आपसे पूछेंगे, कुछ बोलिए, क्या आपने समझा यहाँ के अध्यापकों के बारे में? मेरा नाम हरिओम गुप्ता है और मैं बरेली ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने तिवारी सर का जो वीडियो था यूपी गाइड की तैयारी के लिए, मैं भटक रहा था और जो तिवारी सर का वीडियो था तो मैंने देखा, और मैंने किसी से सलाह नहीं ली, मैं सीधे यहाँ आया कानपुर तिवारी सर के पास, और इन्होंने मुझे एडमिशन दिया, और मैं अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और टीचर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 1 घंटे ज़्यादा पढ़ा देंगे पर कम नहीं पढ़ाएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, इसी प्रकार से 1-2 लोगों से और बात करेंगे। आइए आइए पांडे जी। हाँ बेटा, क्या नाम है, अपना पूरा परिचय दीजिए और कैसा महसूस कर रहे हो इसको पकड़ लो। हम डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से हैं, यहाँ पर सर अच्छी फैसिलिटी है, टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, 2 बजे से 8 बजे तक क्लास चलती है पूरी, हर संडे टेस्ट कराए जाते हैं, और जो 7 दिन में पढ़ाया जाता है वही हर पेपर में आता है। और ऐसा तो नहीं हम तुम्हें सिखाए हो पहले से, यही बोलना है? नहीं सर। अपने आप बोल रहे हो? यस सर। हैं? यस। कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ पर आके? यहाँ पर आकर बहुत अच्छा महसूस। ऐसा तो नहीं है कि जो है क्लासें ना होती हो छुट्टी हो जाता हो? नहीं सर, इधर बारिश हो या तूफान है, आंधी है कुछ भी हो, यहाँ पे क्लास डेली चलती है। बहुत बढ़िया, आंधी आए पानी आए तूफान आए बोल रहे हैं तब भी क्लास होती है। और सर कोई भी त्योहार हो वगैरह, रक्षाबंधन वगैरह, तो इधर छुट्टी बहुत कम पड़ती है। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा करिए, बेस्ट ऑफ लक, है ना, पढ़ते रहिए। तो आंधे थोड़ा सा संकोच करते हैं, बाकी ये धारा प्रवाह में तब बोलते हैं जब इनका सिलेक्शन हो जाता है, जब ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चलिए हम इनसे बात, ये पकड़ लो, अपना परिचय दो और जो बताना हो बताइए। मैं धनंजय सिंह। महसूस कर रहे हो? या
कोचिंग में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी शिक्षा या अच्छा ज्ञान लेना है तो आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा, और सबसे अच्छा संस्थान है यहाँ, जो बताया जाता है वही होता है। 6 दिन क्लास चलती है और 7वें दिन टेस्ट होता है, हर संडे टेस्ट होता है। सभी टीचर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है इसके बाद हम ये बुंदेलखंड रीजन से आते हैं, इनसे बात करेंगे। जी, मेरा नाम दिव्यांश नायक है और मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ, जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो मैं वहाँ के बच्चों को ये कहना चाहता हूँ जो एग्रीकल्चर से है, उस क्षेत्र में तो एग्रीकल्चर के लिए कुछ रखा नहीं है, ना वहाँ पर कोई कॉलेज है। तो मैं ये सोचूंगा कि ये जो हमारी यूपी में 4 यूनिवर्सिटी हैं, इनके लिए तैयारी करने के लिए आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए और तिवारी एग्रीकल्चर आइए, यहाँ बहुत अच्छा संस्थान है। संस्थान तो बेटा बहुत हैं, हाँ। तिवारी एग्रीकल्चर ही क्यों आइए, कैसे समझा कि यहीं चलना चाहिए? क्योंकि मैंने पढ़ लिया है यहाँ पर और संस्थानों में, तो मुझे बेस्ट यही लगा है। मतलब आप जो है क्रैश कोर्स वगैरह इधर उधर आप भटक गए थे, तो आपको महसूस हुआ कि साल वाले में तिवारी एग्रीकल्चर जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बुंदेलखंड रीजन से आते हैं तो उनको इस बात को जरूर सुनना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, अपने भाव इन्होंने व्यक्त कर दिया। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से टेस्ट दीजिए, है ना। सारे पेपर जो है, जो पिछला भी हुआ है, सब सॉल्व करके एक कॉपी में लिखिए सब, ठीक है। तो ये आप सभी देख सकते हैं, काफ़ी लोग हैं, बैठ जाइए। तो बाकी जो है टेस्ट दे रहे हैं, है ना, और जब इन लोगों का सिलेक्शन होगा, अभी जैसे 2023 के विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है तो उनका इंटरव्यू डाला जाएगा, तब देखिएगा कितना धारा प्रवाह में वो बात करते हैं। अभी चूंकि ये पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा संकोच करते हैं, है ना। संकोच करने का मतलब ये, टीचर्स के सामने जो थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज़्यादा है करते, बोल कम पाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप सभी लोग एक बार शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, और जैसे ही कोई और नई इन्फॉर्मेशन होगी आप सभी को बताया जाएगा। वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है। मैं देखता हूँ 2-4 बच्चे इधर उधर भटक भी जाते हैं और बैठे रहते हैं, उनकी क्लास नहीं होती, कहीं टीचर नहीं आते, है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों से हम कहना चाहेंगे, अपना फ्यूचर खराब ना करिए, सीधे सीधे तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी आइए। आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ तक ये है कि आपका सबका सिलेक्शन होगा जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।